स्वागत है और एक न्यू वीडियो पे जो कि होने वाली है अर्बन नाइट लिमिटेड एडिशन के ऊपर में। ये हमारे सामने आज रहने वाली है RX-Z एडिशन ओनली। ये सिर्फ ब्लैक कलर में हमें देखने मिलती है, न्यूली लॉन्च हुई है रेनॉल्ट की तरफ से, और ये हमें सिर्फ ट्राइबर में ही नहीं हाईवे में भी देखने को मिल जाएगा। तो आज की वीडियो रहने वाली है इसके ऊपर में। आज मैं बताऊंगा क्या क्या इसमें चेंजेस करा गया है, क्या क्या अपग्रेडेशन करा गया है, और बाकी इसके सारे सेफ्टी फीचर्स के बारे में बताऊंगा और क्या क्या ऐड ऑन करा गया सारे आपको रहेगा इस वीडियो के अंदर में। तो दोस्तों, चैनल पे अगर नहीं हो तो जाके सब्सक्राइब कर देना और बेल बटन को भी हिट कर देना, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो जो भी डालूंगा सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन में मिल जाए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करूंगा इसके इंजन की स्पेसिफिकेशन की। तो 1 लीटर का आपको नेचुरल पेट्रोल इंजन देखने को मिल जाता है, जिसकी पावर आपको ये प्रोवाइड करवा 22 PS की, और टॉर्क आपको 96 Nm का मिल जाता है। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूं तो ग्राउंड क्लियरेंस इसमें हमें 184 mm का देखने को मिल जाता है, जो कि ठीक ठाक है। बाकी ये ब्लैक कलर के अंदर कैसी लग रही है ये कमेंट करके बताना। सबसे पहले मैं इसके की से शुरू करूंगा। तो की में आपको इस टाइप का पैटर्न देखने मिल जाता है, रेनॉल्ट की बैजिंग मिल जाती है पीछे में देखने को, और ये रहा कुछ की का माहौल। बाकी ये चेक कर सकते हो, लॉक अनलॉक की बटन देखने मिल जाती है, बूट रिलीज का मिल जाता है, और लाइट का ऑन करने का मिल जाता है। फ्रंट की प्रोफाइल में क्या चेंजेस करा गया है, सबसे पहले फ्रंट की प्रोफाइल में ग्रिल का पैटर्न सेम रखा गया है रेनॉल्ट की बैजिंग के साथ में, और वो क्रोम के अंदर होने वाली है। नीचे में यहाँ पे रेडिएटर ग्रिल को चेक कर सकते हो, कुछ उस टाइप का लुक देती है। बाकी स्किड प्लेट आपको सिल्वर कर दिए गए हैं, और उसके आउटस्कर्ट में मैट ब्लैक का टच हमें देखने को मिल जाता है, ठीक है, कुछ इस टाइप का है। बाकी हेडलैम्प की सेटअप की बात करूँ तो हेडलैम्प का सेटअप आपको प्रोजेक्टर लेंस के अंदर हेलोजन बेस्ड मिलने वाली है। कॉर्निंग लाइट्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है इंडिकेटर के साथ में, कुछ इस टाइप का है। और यहाँ पे नीचे में यहाँ पे हाउसिंग देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको DRL का काम देखने को मिल जाता है वेंट्स के साथ में, जिसके आउटस्कर्ट्स में क्रोम का वर्क हमें देखने को मिल जाता है, ठीक है, कुछ इस टाइप का है। बाकी ये दो ट्रांसमिशन में हमें देखने को मिल जाती है, मैनुअल और ऑटोमेटिक, और दोनों में 52,000 का डिफरेंस हमें देखने को मिल जाता है, ठीक है। साइड के प्रोफाइल में चलते हैं। सो साइड की प्रोफाइल में हमें क्या चेंजेस करा गया है, तो सबसे पहले व्हील आर्च में क्लैडिंग हमें देखने को मिल जाती है, और चेंज क्या करा गया है ना, ये डोर पैनल्स में जो क्लैडिंग हमें देखने को मिलती थी पहले ब्लैक हमें देखने को मिलती थी, वो भी सिल्वर कर दिया गया है। बहुत अच्छा लुक दे रही है ब्लैक के साथ में, जो कॉम्बिनेशन खिल के आ रहा है इसके ऊपर वो आप देख सकते हो। बाकी ORVM आपको बॉडी कलर्ड के अंदर होने वाले हैं, जिसमें आपको यहाँ पे इंडिकेटर की प्लेसमेंट को दर्शाया गया है। बाकी इसके टायर की ओर आता हूँ, तो टायर की प्रोफाइल 185/65R 15 इंच की रखी गई है, जिसके साथ में आपको यहाँ पे स्टील रिम का वर्क देखने मिल रहा है, इस स्टील आपको व्हील कवर के साथ में फुल्ली आपको यहाँ पे अलॉय व्हील का ही प्रेजेंटेशन को रखा गया है, लेकिन ये स्टील रिम के अंदर होने वाली है। फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाते हैं, रेयर में आपको ड्रम ब्रेक्स हमें देखने को मिल जाते हैं। डोर हैंडल्स की बात करो तो वो आपको क्रोम के अंदर मिल रहे हैं, ये चेक कर सकते हो, और विंडो पैनल्स को भी आप चेक कर लो, कितनी बड़े से आपको विंडो पैनल्स देखने मिल रहे हैं। MUV बॉडी स्ट्रक्चर है, तो 7-सीटर के अंदर हमें ये देखने मिल जाती है, और रूफ रिल्स आपको ब्लैक आउट रखा गया है, साथ में यहाँ पे आगे में ही एंटीना की प्लेसमेंट को दिखाया गया है, ठीक है। थर्ड रो में आपको विंडो पैनल का भी काम देखने को मिलता है, जो कि कुछ इस टाइप का लुक देती है, ठीक है, कुछ यहाँ पे रहा साइड का माहौल। चलिए रियर की प्रोफाइल जाते हैं, तो रियर की प्रोफाइल में आपको क्या चेंजेस करा गया है, सबसे पहले चेंजेस तो ये रहेगा, जैसे फ्रंट की बम्पर में आपको स्किड प्लेट सिल्वर मिल रहा है, सेम पैटर्न आपको पीछे भी दिखाया गया है, और साथ ही साथ पीछे में आपको नीचे शुरू करूँ, 3 आपको यहाँ पे पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं, ड्राइवर के यहाँ पे बैजिंग मिल जाते हैं रेनॉल्ट के लोगों के साथ में, बाकी रेनॉल्ट की यहाँ पे पूरा बैजिंग मिल जाती है। सिल्वर ट्रिम्स को भी अच्छा खासा इस्तेमाल करा गया है, क्योंकि ब्लैक के साथ में जो कम्बिनेशन ये खिल के आ रही है, ये आप चेक कर सकते हो कैसी लग रही है, ये भी कमेंट करके बताना। बाकी ब्रेक लाइट का यहाँ पे सेटअप को आपको दिखाऊं तो यहाँ पे ब्रेक लाइट का सेटअप आपको बल्ब पैटर्न में देखने को मिल जाता है, इंडिकेटर का पैटर्न भी आपको बल्ब ही मिल रहा है, और रिवर्स लाइट की प्लेसमेंट यहाँ पे देखने को मिल जाती है। रियर की विंडो की बात करूँ तो रियर की विंडो में आपको डिफॉगर का वर्क हमें देखने को मिल जा रहा है, साथ ही साथ यहाँ पे वाइपर का भी काम हमें देखने मिल जाता है। स्पॉइलर के अंदर ही आपको हाईमाउंट स्टॉप लैंप को प्लेस करा गया है वॉशर जेट के साथ में, ठीक है। और एक चीज़ है यहाँ पे, ये कैमरा को भी इस बार
डाल दिया गया है। स्मार्ट मिरर आपको नाम दिया गया है रेनॉल्ट की तरफ से, वो मैं अंदर जाके दिखाऊंगा। बाकी यहाँ से चेक कर लो कैसी लग रही है, ये आप कमेंट करके बताना। तो बाहर की प्रोफाइल हो गई, चलिए अंदर जाके देखते हैं कि क्या क्या आपको चेंज करा गया है। तो अंदर जाने से पहले इसके डोर पैनल्स को दिखाऊं, तो डोर पैनल्स में ही दो काम करा गया है, ठीक है। डुअल टोन का आपको वर्क हमें देखने को मिल जाता है, ब्लैक एंड आपको बेज कलर में। बाकी यहाँ पे ओआरबीएम की फुल्ली सेटअप मिल जाती है देखने को। पावर विंडो का आपको यहाँ पे कंट्रोल्स मिल जाता है, ग्रैब हैंडल्स मिल जाता है, 1 लीटर का बोतल होल्डर का स्पेस मिल जाता है, स्पीकर की प्लेसमेंट यहाँ हमें देखने को मिल जाती है। एड ऑन क्या करा गया है, ट्राइबर का आपको पडल लैम्प ऐड करा गया है। बाकी स्किप प्लेट आपको यहाँ पे LED लाइट्स के साथ देखने को मिल जाती है। तो अंदर जाने से पहले और एक चीज़ मैं दिखाऊंगा, इसके सीट में आपको लीवर देखने मिल जाती है जो कि हाइट एडजस्टमेंट वाली है, ठीक है। और यहाँ पे लीवर आपको रिक्लाइनिंग वाला मिल जा रहा है। बाकी इसके पीछे में करूँगा तो आपको मैनुअली करना पड़ेगा। सीट की बात करो तो सीट का फैब्रिक बेस रखा गया है और सीट की कुशनिंग अच्छी है। ये मैनुअल ट्रांसमिशन है तो ABC पैडल को आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। अंदर आके बैठ चुका हूँ, सबसे पहले नजर जाएगी इसके स्टेयरिंग व्हील के ऊपर में जो कि आपको डी शेप के मिल रही है। बाकी इसके स्टेयरिंग माउंटेन कंट्रोल्स को चेक कर सकते हो, लेफ्ट साइड में इंफोटेनमेंट सिस्टम से रिलेटेड आपको कंट्रोल्स देखने को मिल जाते हैं। राइट साइड में कॉल को रिसीव करना वो वाला मिल जाता है, रेनॉल्ट की बैजिंग यहाँ देखने मिल जाती है और सिल्वर आपको ट्रिम्स देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। साथ ही साथ ये जो लीवर हमें देखने को मिल रही है वो इंडिकेटर की और हेडलैम्प को ऑन करने की मिल रही है। लेफ्ट साइड में यहाँ पे वाइपर का काम हमें देखने को मिल जाता है। एड ऑन क्या करा गया है इसमें, आप यहाँ पे जाना तो यहाँ पे आपको कैमरा की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है जो कि डैश कैम कह लो, लेकिन रेनॉल्ट में आपको SMM कह के नाम दिया गया है। ये स्मार्ट फीचर आपको ऐड करा गया है। सेफ्टी फीचर में ये बहुत तगड़ी चीज रहने वाली है, इस सेगमेंट के अंदर पहली बार रेनॉल्ट ने ये कर दिखाया है। का डिजिटल ब्लेस्ड आपको क्लस्टर देखने को मिल जाते हैं। राइट साइड में इसके टेम्परेचर फ्यूल को शो कर रहा होगा, इंजन लाइट्स को शो कर रहा होगा। लेफ्ट साइड में यहाँ पे RPM को मीटर को दिखाया गया और MID जहाँ रहता है वहाँ पे स्पीडोमीटर का काम हमें देखने को मिल जाता है, जिसके साथ साथ में आपको एवरेज क्या ये प्रोवाइड करवा दे रही है वो सारा काम हमें देखने को मिल जाता है। डैशबोर्ड में आपको ब्लैक आउट का काम है सारा कुछ, यहाँ पे सिल्वर का काम यहाँ भी देखने को मिल जाता है। फ्रंटर में यहाँ पे 2 AC वेंट्स हमें देखने को मिल जाते हैं। और बात रखूँ इसकी तो कुछ इस टाइप का लुक है ग्लव बॉक्स का, लेफ्ट साइड में आपको कुछ इस टाइप का स्पेस ये बना देती है, ठीक है। तो इसको बंद करते हैं और सनशेड की बात करूँ तो ड्राइवर साइड की सनशेड में आपको टिकट होल्डर का काम देखने मिल जाता है और को ड्राइवर साइड में यहाँ पे वैनिटी मिरर के साथ मिल जाता है हमें देखने को, ठीक है। और रूफ लाइट्स की बात करूं तो रूफ लाइट्स में आपको हैलोजन बेस्ड काम मिल रहा है माइक के साथ में। तो इंफोटेनमेंट सिस्टम की ओर आऊं तो एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले जैसे सारे कनेक्टिंग फीचर्स मिल जाते हैं। ब्लूटूथ AM/FM नेविगेशन के साथ में कॉल को रिसीव करना, कॉल को कट करना सारे यहाँ पे मिल जाते हैं। वॉइस कमांड को भी यहाँ से आप दे सकते हो। बाकी बात करूं इसके नीचे में तो यहाँ पे शॉर्टकट बटन को दिया गया है, यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। ESP का बटन देखने को मिल जाता है, हैजार्ड का बटन देखने को मिल जाता है और यहाँ पे AC के कंट्रोल्स के बटन को हमें देखने को मिल जाते हैं। ये मैनुअली AC इसमें देखने को मिल जा रही है। यहाँ पे स्पेस को बनाया गया है, चार्जिंग के दौरान आप यहाँ पे भी रख सकते हैं फ़ोन। और नीचे में यहाँ पे इंजन स्टार्ट स्टॉप की यहाँ पे बटन हमें देखने को मिल जाती है। उसके नीचे जाऊँगा तो यहाँ पे USB का सॉकेट हमें देखने को मिल जाता है, ऑक्स का सॉकेट हमें देखने को मिल जाता है और यहाँ पे भी स्पेस को दिखाया गया है। साथ ही साथ इसके गियर नॉब की ओर आऊँ तो गियर नॉब आपको मैनुअल ही हमें देखने को मिल जाती है, 5-speed गियर नॉब इसमें हमें देखने को मिल रही है। साथ ही साथ यहाँ पे जो काम है वो क्रोम के अंदर भी हमें देखने को मिल जा रही है। हैंड ब्रेक आपको मैनुअल ही देखने मिल रहा है, जिसकी टिप आपको क्रोम के अंदर देखने मिल रही है। 2 कप होल्डर्स यहाँ पे देखने को मिल रहा है और यहाँ पे है आर्मरेस्ट का काम नहीं है, बट उससे ज़्यादा ये है कि ये स्लाइडिंग बुक फॉर्म में ओपन हो जाते हैं और ये कूल्ड आपको स्पेस ये प्रोवाइड करवा दे रही है। सॉफ्ट ड्रिंक्स अगर आप रखोगे लॉन्ग टूर जा रहे हो तो सॉफ्ट ड्रिंक्स को वो ठंडा रखेगा, ठीक है, कुछ इस टाइप का है। चलिए इसके रियर की रूम है तो रियर की डोर पैनल्स में भी आपको सेम आपको डुअल टोन का काम देखने मिल रहा है। अनलॉकिंग लीवर आपको सिल्वर सैटर्न के अंदर देखने मिल जा रही है और यहाँ पे पावर विंडो का सेटअप देखने मिल जाता है, 1 लीटर का बोतल होल्डर, स्पीकर की प्लेसमेंट और यहाँ पे भी
उसका प्लेट का काम हमें देखने मिल जाता है। रियर की सीट भी आपको पीछे चली जाएगी। और ये रहा कुछ मामला, बाकी रियर की सीट में मैंने सबसे आगे ये पीछे कर दिया था, तो पीछे करने के बावजूद भी हमें इतना सा नी रूम देखने मिल जाता है। लेग रूम आपको अच्छा खासा ही देखने को मिल जाता है। बाकी इसमें जो आर्मरेस्ट नहीं देखने को मिल रहा है, हेडरेस्ट आपको एडजस्टेबल मिल रहा है पीछे की रो में, फ्रंट में आपको फिक्स हेडरेस्ट देखने को मिल जा रहे हैं। ठीक है, तो इसके थर्ड रो में जाने में मेरे को उधर जाना पड़ेगा, उधर जाके मैं आपको दिखाऊं, तो उस साइड से आप उसको इजीली फंक्शन कर सकते हो वन लीवर के थ्रू में। आप यहाँ पे एक लीवर बस ऐसे करना है और ये उठ जाएगी और इजीली आप यहाँ से अंदर जा सकते हो। ठीक है, मैं अंदर जाके एक बार बैठ के दिखाऊं, तो यहाँ पे भी ठीक है, नी रूम मतलब मेरे हाइट के हिसाब से नहीं है, बट अगर कोई आपके घर पे बच्चे हैं तो उनके लिए बहुत अच्छा सा आरामदायक जर्नी रहने वाली है। बाकी पीछे की रूम में भी आपको यहाँ पे हैंडल्स देखने को मिल जाते हैं, ग्रैब हैंडल्स ऊपर में देखने मिल जाते हैं। यहाँ पे एसी वेंट्स को आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, साथ ही साथ यहाँ पे 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट भी हमें देखने को मिल रहा है। सीट बेल्ट भी आपको पीछे की रूम में प्रोवाइड करवा दिए गए हैं। ठीक है, कुछ इस टाइप का लुक है, ये चेक कर सकते हो। चलिए इसके बूट स्पेस को मैं एक बार ओपन करके दिखाऊं, तो बूट स्पेस आपको ये चेक कर सकते हो। यहाँ पे आप इजीली एक सेंसर दिया गया है, उसको आप वहाँ से फंक्शन कर सकते हो। 84 लीटर्स का आपको बूट स्पेस मिल जाता है। अगर आप 5-6 लोग जा रहे हो तो ये फोल्ड भी हो जाएगी, 50:50 रेशियो में इजीली आपको फोल्ड हो जाती है। और ये चेक कर सकते हो, कुछ इस टाइप का आपको ये लुक दे देती है फोल्ड होने के बाद। स्पेस ये पूरा बना देगी आपको और इजीली आप अपने सामान को रख सकते हो। ठीक है, तो चलिए इसके इंजन कंपार्टमेंट को ओपन करके दिखाते हैं कि 1 लीटर नेचुरल पेट्रोल इंजन आपको किस टाइप का लुक दे रही है। तो दोस्तों, मैंने इसके इंजन कंपार्टमेंट को ओपन कर लिया, हर कुछ इस टाइप का आपको लुक देखने को मिल जाती है। इंजन में आपको इंसुलिन वर्क का काम देखने को मिल जाता है। 1 लीटर का आपको नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन देखने को मिल जाता है, जो मैंने बता दिया। पावर आपको 72 PS का ये प्रोवाइड करवा देती है, टॉर्क आपको 96 Nm का ये प्रोवाइड करवा देती है। कुछ इस टाइप का आपको 3 सिलेंडर का इंजन देखने को मिल जाता है। बाकी यहाँ पे इसके बैटरी की प्लेसमेंट को आप चेक कर सकते हो, फ्यूज बॉक्स को चेक कर सकते हो, ईबीडी की प्लेसमेंट आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। दोस्तों, इसकी सेफ्टी फीचर्स के बारे में बताऊँ तो ABS ईबीडी के साथ में 4 एयरबैग को दिया गया है इस बार, और बहुत अच्छा खासा आपको सेफ्टी में इम्प्रोवाइजेशन देखने को मिल जाता है ड्राइवर के अंदर भी। कैसी लुक लग रही है आप कमेंट करके बताना, और चैनल पे नहीं हो तो जाके सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल पे बने रहें, धन्यवाद।